नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा बायोलॉजी का टॉप 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली सेट नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट वीडियो मिल रहा है, माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरी क्लास थी एक और अनअकैडमी पे, तो इस चक्कर में लेट हो गया। ठीक, तो मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था। तो सेट नंबर 8 आज हम करेंगे। आई होप आप सब हर वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने शुरू की है, खान सर की बुक है फिजिक्स थी, उसका एक पहला पार्ट मैंने अपलोड किया, उसको भी जाके देखो। चलिए शुरू करें। 8 दिसंबर से अनअकैडमी पे कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टीम ऑल स्टार बैचेस सीजीएल सीएसएल के लिए भी 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएसएल के लिए, लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, ये भी 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है 8 दिसंबर से, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, इसको भी एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी पे आस्क डाउट का फीचर है, इसको मैंने यूज किया, बहुत बेहतरीन फीचर है। ठीक, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है मैथ रीजनिंग, आप तुरंत फोटो क्लिक करिए, सेंड कर दीजिए डाउट एंड सोल्यूशन पे जाके, आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, और टेस्ट सीरीज बहुत सारे फ्री वाले भी अवेलेबल है, ऐप पे जाके देख सकते हैं सारे लगभग सारे एग्जामों के फ्री में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड करो और टेस्ट सीरीज भी दो। ठीक, इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट रीजनिंग मैराथन ये कल होगा, तो आप सभी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा इस कॉम्बैक्ट को जरूर, तो अगर जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, क्योंकि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी तैयार होगी। ठीक, तो रीजनिंग की ये मैराथन है, तो इसमें 30 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे 40 मिनट में। आपको कल 5 दिसंबर 12 बजे दिन में दोपहर में आपको टेस्ट देना है, अभी एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गुरु टिप्स कोड डाल के इसे आप फ्री में एनरोल कर सकते हो और कल दीजिए। और स्कोर आप लोग अच्छा करिए, अगर जो अच्छा स्कोर करते हो तो स्कॉलरशिप यानी कि प्राइज भी जीतने का मौका मिलेगा, हो सके आपको 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन का, अकेडमी मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गुरु टिप्स कोड यूज करके कोई भी कोर्स बाय करो, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि में पौधा पोषक तत्व होता है, इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा आंसर क्वेश्चन है भाई, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखिएगा, पौधों के लिए अगर जो बात करें पोषक तत्वों की, कल वाले क्लास में भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट होती है एनपीके। एनपीके क्या होता है? तो एनपीके होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी मतलब होता है फास्फोरस, फास्फोरस, और के मतलब होता है पोटेशियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं पौधों के लिए। अब हड्डी की बात हो रही है, तो हड्डी की बात करें तो हड्डी में आपके मुख्यतः तत्वों की बात करें, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्शियम फास्फोरस जब हड्डी में मिल जाता है तो हड्डी का प्रयोग उर्वरक के लिए काहे ना कर ले भाई, क्यों ना करें? ठीक, तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरतम मात्रा होती है। ठीक, सॉरी, कैल्शियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फास्फोरस की इसमें प्रचुर मात्रा होती है। ठीक, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षी मतलब होता है जो चीजों की होती है खाने वाले, ठीक है, उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? खाद्य परिरक्षी के रूप में मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फलों के रस के लिए, ऑप्शन नंबर सी, फलों के रस के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना, वनस्पति का अवायवी क्षय, इसका आंसर क्या होगा? 15 क्लास तक पीपीटी बना हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश का इशू रह सकता है, सिर्फ हिंदी में रहेगा, उसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्लासेज मिलेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता, CO2 की मात्रा नहीं बढ़ाता? भाई श्वास लेते हो, ठीक है, तो इसमें भी तो CO2 होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती, क्योंकि CO2 को जल से कैसा जो प्रतिक्रिया होती है वो, उसमें ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, बाकी पेट्रोल का जलना इसमें भी होता है,
वनस्पति का अ वायुवीय है, इसमें भी होता है। चलिए क्वेश्चन में बात करें चार, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी निकोटीन होता है। ठीक, पांच की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो अगर जल में भोजन में जल व भोजन में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, तो पता ही आपको, और खासकर बच्चों में जानलेवा तक हो सकती है। ठीक, और यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथीग्लोबिन बना लेती है जो ऑक्सीजन के संवहन को रोक देता है और एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब समझ गया ना? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर होता है? बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर होता, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। सेवन की बात करें, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, किस रसायन से यहां पे एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से ल्यूकेमिया, बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, क्या आंसर होगा? तो ये होते हैं आधार आहार श्रृंखला में जो तल में जीव होते हैं वो एक प्रकार के उत्पादक जीव होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नौ की बात करें, नौवा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती? कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती, इसका आंसर होगा, देखो अस्थमा भी हो सकता है वायु प्रदूषण के कारण, निमोनिया इसका राइट आंसर होगा। निमोनिया एक प्रकार के ये फेफड़े का आंतरिक रोग है, फेफड़े का आंतरिक रोग है। ठीक, बाकी छह रोग को हम बोलते हैं टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्री परितंत्र में, वन परितंत्र में, सरोवर परितंत्र में या उपयुक्त सभी, क्या आंसर होगा? तो खाद्य श्रृंखला की बात करें उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, पर्णपाती वृक्ष कैसे होते हैं? पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, अपनी पत्तियों को नहीं गिराएंगे, अपने खाद्य का संश्लेषण करेंगे, अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। तो पर्णपाती वृक्ष की बात करें तो ये अपने पत्तियां गिराएंगे, अपनी पत्तियां गिराएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अपनी पत्तियों को गिराएंगे, तो याद रखिएगा शहतूत, अनार, आंवला, शीशम ये सारे पर्णपाती वन होते हैं। ठीक, हर वर्ष गिराएंगे। 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है, क्या आंसर होगा? थोड़ा सा एनर्जी कम दिख रही होगी आपको, इसका रीजन भी है क्योंकि डेढ़ घंटे की क्लास मैं अनअकैडमी प्लस पे लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे ये क्लास पहले ही बना लेनी चाहिए थी, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, कल से ये काम कर लूंगा। ठीक, कल संडे है, कल क्लास चाहिए आपको? कल देते हैं, कल संडे को भी क्लास देते हैं। ठीक है, संडे को भी देते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण, और याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके इस मंडे, मंडे को एक ट्विटर कैंपेन है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे क्या हैशटैग रहेगा। ठीक, पूरे महीने हम ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं एवरी मंडे सारे टीचर्स मिलके। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ईंधन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 13, अपशिष्ट में नियंत्रित स्थिति के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? अपशिष्टों में नियंत्रित स्थिति के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जैविक क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, खाद बना देते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 14 की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन निर्मित करके, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मित करके, गंदे पानी का उपचार, सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, इनको अपघटक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 16 की बात करें, एरोसोल क्या होता है? एरोसोल की बात करें,
एरोसोल वायु में निलंबित ठोस कण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है किसके द्वारा? कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, तो याद रखना ये स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्गासित करके कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपने ले लिया ढेर सारा, तो आपको स्वच्छ ऑक्सीजन डायरेक्ट देके, ठीक है, इसका इलाज किया जा सकता है। 18 की बात करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय क्या है? ग्रीन हाउस का अर्थ क्या होता है? घट धरती से परावर्तित सौर किरणों का ग्रीन हाउस गैसों पर अवशोषण से मतलब क्या होता है यार? जो हम SO2 NO2 उल्टी सीधे गैसें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं वो हमारे पर्यावरण में जाती हैं और जो ये ओजोन लेयर होती है उसको नुकसान करती हैं, ठीक, जिससे जो हानिकारक किरणें होती हैं वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक। तो ग्रीन हाउस का अर्थ हो गया धरती से परावर्तित सौर विकिरण का ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषण। यह किरणें धरती तक वायुमंडल में ही मतलब वायुमंडल में ही रह जाती हैं तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक। चलिए, यानी कि अगर जो ये प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस गैसेज होंगी वो ऊपर नहीं जा पाएंगी, यहीं अंदर ही रह जाएंगी, जिससे जो आप देख रहे हो कि वर्ष भर मौसम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठंडी कम पड़ रहा है, इस तरीके से गर्मी के दिनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक। तो ये ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आंसर होगा? वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, भूजल पेयजल का बेहद स्रोत है क्योंकि इसमें कम होता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत कौन सा है? बेहतर स्रोत कौन सा है? बेहतर स्रोत कौन सा है क्योंकि इसमें कम होता है? तो बेहतर स्रोत की बात करें तो भूजल जल का, तो याद रखिएगा कौन सा होता है जिसमें आर्सेनिक कम होगी वो बेहतर भूजल होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, आर्सेनिक की मात्रा जिसमें कम होगी। 20 की बात करें, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? किसके प्रयोग से कम किया जाता है? SO2 सल्फर डाइ की मात्रा को याद रखना। ये देखो, वायुमंडल में SO2 का मुख्य स्रोत क्या होता है? जैविक ईंधन का जलना। सल्फर डाइऑक्साइड फसल उत्पादन को प्रभावित करता है, याद रखिएगा SO2 जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड फसल को प्रभावित करता है। कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके हम SO2 की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक। तो कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर डी। 21 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। 22 की बात करें, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? थोड़ी सी एनर्जी कम हो रही है मेरे में, ठीक, मैंने बताया भी रीजन, तो कल से फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? रेत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो इसमें जल संवर्धन पौधों के कर्षण जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? रेत का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। चलिए, बाकी जल, प्रकाश और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करें 23, वन अनुसंधान स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देहरादून में आपके और क्या स्थित है? ONGC आपका कहाँ है? देहरादून में है, ठीक। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च संस्था ये कहाँ है? ये आपका शिमला में है, ठीक। इसके अलावा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ, IOC कहाँ, ये भी देहरादून में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? अवांछनीय पौधों को वीड्स बोलते हैं, वीड्स यानी कि खरपतवार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन में बात करें 25, निम्न में से NPK निर्दिष्ट करती है? NPK इसी क्लास में मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को बोलते हैं मैगट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 27 की बात करें, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, कौन से उद्योग मधुमक्खी से संबंधित है? तो याद रखना एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक। हॉर्टिकल्चर की बात करें, ये बागवानी, फल फूल सब्जी बागवानी से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात करें, ये मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक। चलिए 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? तो सिल्क वर्ग यानी कि सेरिकल्चर, जिसमें रेशम कीट पालन का उत्पादन किया जाता है। 29 की बात करें, मधुमक्खी से संचार का साधन क्या है? मधुमक्खी से संचार का साधन क्या है? तो ये डांस करती है, नाच या डांस, ठीक। चलिए,
इसका पता किसने लगा था, इसका पता किसने लगा था कि डांस करती हैं, डांस के माध्यम से संचारण करती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। तो वॉन फ्रिस ने इसका सर्वप्रथम पता लगाया था 1967 में, ठीक। और मधुमक्खियां एक दूसरे को किससे पहचानती है ये पूछे तो सुगंध से पहचानती है, ठीक है। चलिए, मधुमक्खियों के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाई जाती है और इस फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करके हम गठिया की दवा भी बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तीस की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे, तो कहें तो कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस, ठीक। चलिए, ह्यूगो डी ब्रिज को भी याद रखिएगा, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को दिया था, उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को दिया था, के सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक। विलियम हार्वे ने याद रखिएगा रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ा सा मुझे भी लगा कि मैं फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ा नहीं रहा था, मुझे ये क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन डेढ़ घंटे की क्लास लेने के बाद फिर तुरंत थी क्योंकि जल्दीबाजी में मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्लास आपकी गैप नहीं होनी चाहिए बस इस चक्कर में। चलिए, अच्छा लगे क्लास को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।